यो अन्तः सुखो अन्तरा रामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यो अन्तः सुखो अन्तरा रामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सचमुच पूर्ण योगी है। वो पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतत्व गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के कार्य क्या है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने अंदर ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो व्यक्ति भगवान से असीम प्रेम करता है, वो अपने हृदय में ही उनके दर्शन प्राप्त कर लेता है। और भगवान आगे कहते हैं, जो कर्मठ है, यानी ऐसा नहीं कि कहीं बैठ जाएं आप और आंख बंद कर लें और अपने हृदय के भीतर झांकने का प्रयास करें। जी नहीं, भगवान के लिए जो कर्म करने में आ सकते हैं, जो भगवान के लिए कर्म करते हुए कभी नहीं थकता, जो जानता है कि मेरे इन कर्मों से भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा व्यक्ति मेहनती कर्मठ कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में ही रमण करता है, उसका लक्ष्य भी अंतर्मुखी होता है, अंदर की तरफ होता है, भगवान को महसूस करता है अपने अंतःकरण में। और तब ऐसा व्यक्ति बाहर की दुनिया से एकदम कह लीजिए विरक्त हो जाता है। बाहर की दुनिया उसे रुचिकर नहीं लगती। बाहर की वार्ताएं, बाहर के आम विषय, बाहर का फैशन, बाहर का दर्शन, बाहर का चिंतन, बाहर की बड़ी बड़ी इमारतें, उन सब से उसे कुछ लेना देना नहीं होता। वो जानता है ये सब अस्थाई हैं, ये पहले किसी और की थीं, अब किसी और की हैं और फिर किसी और की होंगी। इन सब से ऊपर उठना है और उसे प्राप्त करना है जो समय के साथ कभी नहीं बदलता, और वो है भगवान श्री कृष्ण। और ऐसा व्यक्ति ही परब्रह्म में मुक्ति पाता है, जिसे इसी जीवन में भगवान मिल गए, जो इसी जीवन में भगवान का हो गया, तो बताइए वो फिर किसका रह जाएगा? किसी का नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ भगवान का होगा। और भगवान का हो करके ही वो सब लोगों में भगवान की उपस्थिति देखकर उनसे प्रेम करेगा, लेकिन सब में देखेगा भगवान की उपस्थिति, अपने किसी स्वार्थ को नहीं। और ऐसा व्यक्ति ही अंत में प्रभु को प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति ही अंत में भगवत धाम जाता है।